दोस्तों खुशामदीद आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कश्मीर गार्डन्स में। दोस्तों आज हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं संतरे यानी ऑरेंजेस को, वो भी कश्मीर में, है ना एक अमेजिंग बात। जी हाँ दोस्तों, अब हम ऑरेंज प्लांट्स की खेती कर सकते हैं कश्मीर में और उनसे ढेरों सारे संतरे अच्छे क्वालिटी के हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हार्वेस्ट करने से पहले मैं आपके साथ में चंद एक ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम पेड़ को लगाएंगे, कौन से मौसम में पेड़ को लगाएंगे और क्या क्या ख्याल हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा मौसम और बाहर के स्टेट्स का मौसम जो है वो डिफ़र करता है। बहुत सर्दी होती है यहाँ पर और सर्दियों में किस तरह से हमें इसका केयर करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ में आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से नीचे दिया गया जो लाल बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको दबाइए और साथ में बेल आइकन का बटन मिलेगा उसको भी दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, ताकि आपका और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये पेड़ जो है मुझे लाया किसने। मेरे पास एक गार्डनर काम करने के लिए आता था जिसका नाम गुलाम अहमद है। चंद एक साल पहले उसने नर्सरी से ये पेड़ लाया था, छोटा सा एक पेड़ था, लेकिन गलती की वजह से हमने उस वक्त इसको वहाँ पे लगाया था जहाँ पे इसको जगह सही सूटेबल नहीं मिली थी, क्योंकि छाँव में हमने लगाया था। ये जो संतरे का या नींबू का पेड़ है, क्योंकि ये बाहर का है, हमारे कश्मीर का नहीं है, और इसको काफ़ी धूप चाहिए, काफ़ी गर्मी चाहिए, इसके लिए फिर हमने क्या किया कि मैंने इसको शिफ्ट किया। लेकिन उससे पहले भी एक तो इसमें गलतियाँ मैंने की थी कि मैंने डायरेक्टली ज़मीन में लगाया था और बर्फ़बारी इसके ऊपर सबसे पहले आ गई, उसने एटमॉस्फेयर को जो है एडजस्ट नहीं किया था शुरुआत के सालों में, तो उसकी वजह से इसको काफ़ी समय लगा फ्रूट देने में। लेकिन आपको मैं ये इतना कहता चलूँ कि जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट खरीद के लाएँ, छोटा प्लांट, तो उसको आप डायरेक्ट ज़मीन में ना लगाएं और उस जगह पे लगाएं जहाँ पे वो आपका जो धूप है सुबह से लेकर शाम तक हो। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि गमले में उसको लगाना है एक दो साल, और सर्दियाँ आते ही जो नवंबर का महीना है, उस नवंबर के महीने में सर्दियाँ शुरू हो जाती है कश्मीर में, आपको मालूम है कि कितनी हैवी स्नोफॉल हो जाता है और माइनस चला जाता है, रात को सेंटीग्रेड हमारा माइनस में रहता है, तो टेम्परेचर जो ही माइनस में चला जाएगा तो इसके ऊपर जो है फिर जो है इसके पत्ते वगैरह ख़राब होने लगते हैं, इसकी टहलियाँ ख़राब होने लगती हैं, ज़्यादा ग्रोथ में नहीं आता है, और बर्फ़बारी जब इसके ऊपर आ जाती है ये इसको डैमेज होने का ख़तरा रहता है और ये एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ये क्या है कि जल्दी से ये फ्रूट देना मतलब स्टार्ट नहीं करता है। आपने क्या करना है कि पहले इसको गमले में लगाइए ताकि ये मुँह ही बुल रहे, जो ही सर्दियाँ आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे बर्फ़बारी आने का अंदेशा ना हो और बारिशें इसके ऊपर ज़्यादा ना पड़े, ज़्यादा उसको ठंड ना लगे। एक दो साल के लिए आपने इसको एनवायरमेंट के साथ में जो है एडजस्ट करवाना है। उसके बाद आपने एक और बात का ख्याल ख़ास तौर पर रखना है कि उस जगह पर आपने इसको लगाना है ज़मीन में जहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप आती हो। उससे क्या होगा कि ये गर्म इलाके का ये जो है अपना पौधा है, तो यहाँ पे इसको गर्मी थोड़ी सी मिलेगी तो ये अपने जो है ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगा, एटमॉस्फेयर के साथ में ये एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद जब अगर आप इसके ऊपर देखेंगे कि इतना बर्फ़ भी आ जाएगा कि ये टेढ़ा भी हो जाएगा, जिस तरह से मेरा ये हुआ है, बहुत सारी बर्फ़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अपना जो मेरे संतरे का पेड़ है कितना ये ख़राब हो गया था, झुक गया था, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है जूँ ही इसके ऊपर बर्फ़बारी जमा हो जाएगी, क्योंकि इसका वज़न काफ़ी होता है, देखने को तो बर्फ़ हल्का होता है लेकिन जमा जब हो जाता है इसका वेट बनता है और उस वज़न से इसकी टहलियाँ जो है और ये पेड़ जो है एकदम से बीच में टूटने का ख़तरा रहता है, जिस तरह से हमारे सेब के काफ़ी सारे प्लांट जो है सर्दियों में जैसे बर्फ़बारी में टूट जाते हैं। दोस्तों इसका ख्याल रखना पड़ेगा, जो ही इसके ऊपर बर्फ़बारी जमा हो जाएगी तो आपने इसको झाड़ना है और इसको साफ़ करना है। उसके बाद आप इसको आप देखिए कि बिल्कुल एकदम से स्वस्थ जो है अगले सीज़न में ये शुरू हो जाएगा।
शुरुआत में मुझे इसमें काफ़ी ये जो है साल इंतज़ार करना पड़ा ये जो अपना फ्रूट का, लेकिन दो चार साल मुझे ये लगा कि ये शायद नींबू का पेड़ है या जंगली पेड़ है, इसमें कोई ऐसा फूल वगैरह नहीं आता था। लेकिन 2021 के शुरुआत में ही इसमें जो फूल आना शुरू हो गए, चंदे जो दाने इसके ऊपर भी बनने लगे थे, करीबन 20-21 जो संतरे मैंने इसको हार्वेस्ट किए थे 2021 में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में आप देख सकते हैं विशाल इसने जो अपना ग्रोथ ले लिया है, बहुत बड़ा ग्रोथ ले लिया माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे इसके बहुत सारे फूल नज़र आ रहे हैं मुझे और बहुत सारा फ्रूट आने का अंदेशा इसमें है, इंशाल्लाह ताला इम्कानात है। तो इस तरह से अब अगर हम खाद की बात करेंगे, फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, इसमें मैंने जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है, मैंने कोई केमिकल वगैरह स्प्रे नहीं किया इसके ऊपर, खाली नीम ऑयल स्प्रे किया है बीच में एक दो बार। तो बाकी मैंने इसके ऊपर जो काउंटर कंपोज और वर्मी कंपोज जो है वो लगाया और लीफ कंपोज भी थोड़ा सा लगाया था 1 kg के आसपास। तो बाकी मैंने इसको कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लेकिन माशाल्लाह जब मैं अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट इसमें इतना मज़ेदार है कि आज तक मैंने ऐसा संतरा कहीं देखा नहीं है टेस्ट में। जो जिसको भी मैंने इसका टेस्ट करवाया तो उसने यही कहा कि माशाल्लाह 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 इसका टेस्ट सुपर डुपर है। आपको मैं इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ कि जो गार्डनिंग लवर्स हैं उनको कश्मीर में कम से कम एक पेड़ जो है संतरे का अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा ये फ्रूट देता है। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें मशवरे की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी आपको अगर मैं कहीं पे काम आऊँ आपके तो मुझे मसरत होगी। तो आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो भी जो है इसका ये आनंद ले सके, अपने गार्डन में जो है ऑरेंज के जो ये जो प्लांट्स हैं उगा सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे इस चैनल का भी, आपका और मेरा। अल्लाह हाफिज़।